तो बोलो 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 क्या अपनी आज की बातों को आगे बढ़ाएं आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूं साथ ही साथ लेके आया हूं आपके पेपर चेक कर पा रहे हो आपके पेपर हाँ बेटा हाँ सही सुना आपका पिछले जो प्रीवियस आईसीआई के पेपर आ चुके हैं उनमें भी एक क्वेश्चन आया है और इस बार भी आएगा पांच नंबर का क्वेश्चन पक्का है मांग के चलो आज की क्लास का मतलब बीसीआर के चालीस में से पांच नंबर पक्के हो गए बीसीआर में पांच नंबर पक्के हो गए ये पेपर आपके पास पहले आ चुका है नितिन वेलकम बेटा ज्ञान वेलकम राधे राधे चंदन भाई हरीश वेलकम बेटा हिमांशु दिया ज्ञान का भंडार हमें किया भविष्य के लिए तैयार हमें है आभारी उन गुरुओं के हम जो किया कृतज्ञ अपार हमें गुड इवनिंग माई लोड गुड इवनिंग हिमांशु बेटा गुड इवनिंग कैसे चंदन राधे राधा वेलकम बेटा हेलो 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 आइए शुरू कर सकते हैं वंशिका सर आज तो अमन खेड़िया चैनल पर आप क्लास लेने वाले थे वंशिका बेटा वहां पे अभी क्लास प्लान नहीं हो पाया कल क्लास रखा गया है अमन खेडिया क्लासेस वाले चैनल के ऊपर क्लास हमने कल कल का रखा है बेटा रात को बजे होगा क्योंकि तो बेसिकली जो अनाउंसमेंट मुझे आपको ये करना था उस अनाउंसमेंट के लिए कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट थी रीजन वैष्णवी क्योंकि बेटा अपने पास बी का मैंने क्या कहा जो पार्ट पहले छूट जाता है पहले उसे पूरा करेंगे हम इसलिए लोन ही लिया इस टाइम मैंने ठीक है ओके अनंत हेलो बेटा कैसे हैं वैष्णवी हां जी ठीक है वैष्णवी बेटा ओके वंशी का ओके ज्ञान चले हैं? आगे नितिन हरीश हर बच्चा रिप्लाई करेगा शुरू करें आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नोट मेकिंग वाला पार्ट पेपर आउट हो गया भाई साहब कह रहा है यार हाँ रिया हेलो कैसे बेटा आइए बात करते कह लाइक करें पेपर आउट हो गया सुनो बात ध्यान से आपके नवंबर 19 का पेपर है नवंबर 19 के बी सी आर वाले पोर्शन में आप देख पा रहे हैं आपका पांच नंबर का नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन दोबारा से अगर आप और देखें देखेंटीन का पेपर उसमें भी पांच नंबर का पोर्शन बैक टू बैक चेक करो आपके पास पांच नंबर का पोर्शन आएगा ही आएगा मान के चलो इस बार भी आएगा आपके आईसीआई में जो पेपर में क्वेश्चन आने वाला बेटा यस सर गुड आफ्टरनून बेटा इतने दिन से क्लास क्यों नहीं दिया देवयानी कह रहे देवयानी बेटा बस इसीलिए तो मैंने आज क्लास लिया सॉरी माफी दे दो हमसे गलती हो गई हमको माफ कर दो कर दो बेटा कर दो ओके चंदन ओके सर ठीक है नितिन ओके चले आगे नमस्ते सर जी मनीष महेश वेलकम बेटा कैसे हैं रिया हवा यू हम अच्छा हो बेटा बहुत बढ़िया नितिन चलिए स्टार्ट करें मानसी करेंट भी ओके सर चलिए तो शुरू करते हैं बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे हम कंटिन्यू करते हैं जिन बच्चों तक इन्फॉर्मेशन नहीं है उन बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो आइए शुरुआत करते हैं आप देख पा रहे हैं आपके पास में पांच नंबर का क्वेश्चन इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी को सीखने वाले हैं कि कैसे आपके पास में नोट मेकिंग की जाती है और कौन सा पैटर्न है इस पैटर्न को यूज करके हम अपने पांच के पांच नंबर स्कोर कर सकते हैं नॉर्मली बच्चे बोलते हैं सर हम समरी लिखे तो कितने टॉपिक की बात कर रहा हूं हर बच्चा मुद्दे की बात पे आएगा ठीक है मुद्दे की बात ये बेटा अनिरुद्ध बेटा बेटा यस कुछ पार्ट यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट से ठीक है ओके चलिए आइए लिसन टू मी ओके अनिरुद्ध बेटा रावण रावण वेलकम बेटा अरे बताओ रावण गेमिंग हेलो रावण स्वागत है बेटा आपका लिसन टू मी सुनो आपके पास में नवंबर 19 में पेपर आया

तो बात सुनो क्या कुछ पैटर्न है पहले पैटर्न की बात करेंगे फिर मुद्दे पे आएंगे तो नोट मेकिंग बेसिकली है क्या लिसन टू मी कुछ बातें सुनोगे और फिर पैटर्न की बात करते हैं एज यू ऑल नो एक बात बताओ अभी मैं आपको बोलता हूं आप नोट्स बना रहे हो बना रहे हो जो मैं आपको लिखवाता हूँ क्लासेस के अंदर शॉर्ट में लिखवाता हूँ वो क्या होते हैं आप अपने नोट्स बोलते हो अब लेकिन नोट मेकिंग का प्रॉपर पैटर्न क्या है एग्जाम्पल आपने नोटिस किया आप देखते हो बहुत सारे न्यूज वाले न्यूज वाले न्यूज वाले हाथ में छोटी सी डायरी रखते हैं नोटिस किया डाय रखते हैं और जाके बोलेंगे जहां पर भी, भी कोई कवरेज कर रहे होते हैं वह लिख रहे होते हैं शुरू करो यहाँ से सुनना शुरू करो हर एक बात का कर डिस्कशन करेंगे सर किसी भी बुक या किसी इवेंट किसी मीटिंग किसी जनरल या ओरल डिस्कशन के बारे में आपके पास में कोई सोर्स था कोई आपकी मीटिंग हुई थी कोई आपका एग्जाम्पल किसी का इंटरव्यू हुआ

हम यूज करते हैं अपने आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग में यहां पर आपको कंटेंट दिया हुआ मिलता के के है एग्जांपल आर्ट ऑफ लिस्निंग दिया यहां पे लिखा हुआ है कि बस पैसेज लिखो भैया इस पैसेज से आप नोट बना के दिखाओ तो नोट मेकिंग बनाने का पैटर्न क्या होगा ब्रेन स्टॉमिंग हम वहां पर यूज करते हैं प्लीज 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 सुनो 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 लिसन टू मी

कौन सा पार्ट रीडिंग करें ये वाला पार्ट रीडिंग करो कि यहां पर क्या लिखा है जब भी नोट मेकिंग बनाओगे स्ट्रेटेजी क्या होंगी कैसे आप अपनी इफेक्टिव नोट मेकिंग कर सकते हो तो कुछ पॉइंट्स को रीडिंग करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हाँ बेटा पायल पक्का पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं भूल जाता हूं बेटा मैं क्या करूं भूलक कर भूल जाता हूँ पक्का इस बार पक्का भेज दूंगा श्योर फोल श्योर इसी टूम क्या लिखा हुआ है कह रहा सर नोट मेकिंग बनाने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी है इफेक्टिव नोट मेकिंग कैसे कर सकते हो तो ये बात तो क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि हमारे पास में एग्जाम में भी हमें एक पैराग्राफ मिलने वाला है एक ऐसे हो सकता है रिमेंबर एक स्टोरी हो सकती है या कहीं का किसी का इंटरव्यू हो सकता है तो सिंपल सी बात कोई आर्टिकल कोई रिपोर्ट कोई ऐसे ऐसा पार्ट आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको नोट बनाने नोट मेकिंग का मतलब है पूरे पार्ट को समराइज करना है आपको शॉर्ट के अंदर जो बुलेट पॉइंट भी हम बनाएंगे उसमें एब्रीवेशन कहां यूज होंगे होगा कहां पे होते हैं ये सारी चीज सीखते हैं स्टार्ट करता तो पहला कह रहे हैं लिसन टू तो मी रीडिंग करो फर्स्ट कह रहे हैं तरीका सुनो तरीका हालांकि इस पर्ट में हम चेंज भी करेंगे यहां पे दो बातें लिखी गई है रीड द टेक्स एटलीस्ट ट्वाइस दो बार कम से कम अपने पर पढ़ो लेकिन मैं ये बोलूंगा आपके पास में कि दो बार पढ़ने की जगह हैं, आप लोग एक बार पढ़ें। अब बच्चे बोलते हैं सर हम जब रीडिंग करते हैं जय का क्वेश्चन था सर हम जब रीडिंग करते हैं हेलो बेटा रामन रीसेंट मी मैंने बोला हम जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के टाइम में अब प्लीज हर बच्चा यहाँ सुनेगा मैं अभी आपकी चैट नहीं देख रहा हूं ठीक है okay, पूरा सामने रिसेंट टू मी सर हम जब रीडिंग करते हैं तो हम रीडिंग कैसे करें सबसे बड़ी दिक्कत रीडिंग में आती है कि रीडिंग बच्चे कैसे करें तो बेटा आज के बाद एक पैटर्न सीखो यहां पर Always remember, अब आप लोगों का रीडिंग लोग पोर्शन तो कैसे सेव As per अगर बोले कि नोट को दो बार पढ़ो दो बार पढ़ने बैठूंगा मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा तो बेस्ट पार्ट क्या आप पढ़ने का तरीका सीखो आप लोग क्या करते हैं कोई वर्ड पढ़ते हैं देखो सबसे बड़ी बात पैराग्राफ में छिपी हुई है तो बात यह निकल के आती है कि सर इन वर्ल्ड का एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ इन मोस्ट सेक्टर ऑफ द इनमी कैसे मेरी लाइन पढ़ी अब देखो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए देखो सबसे बड़ी गलती पढ़ने में होती है अगर आपको लगता है नोट बेकिंग आराम से हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बेटा आपका टाइम किल होगा एग्जाम में टाइम किल नहीं करना टाइम सेव करना कैसे होगा से बोलने वाला हूँ तो, जब भी अपने पास में आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमेशा चेक करना आप सिंगल रीडिंग के अंदर सिंगल लाइन के अंदर कितने वर्ड्स को कैप्चर करते हो मतलब एग्जांपल जैसे मैंने बोला इन मोस्ट सेक्टर ऑफ द इकोनोमी मैंने यहां तक पढ़ा बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं मोस्ट सेक्टर तक मतलब सिंगल साइट में आप कितने वर्ड्स को कैप्चर करते हैं सिंगल साइट में तो पॉइंट याद रखना कोमा या फुल स्टॉप से पहले जो लाइन आपको होती है बेटा आज के बाद में उस लाइन को उस वर्ड तक पूरा पढ़ना है रीडिंग कर रहा हूं बता रहा हूं आपको कैसे आपका दो बार पढ़ने के प्लेस पर आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा द बेस्ट पार्ट इज जितना पार्ट रीडिंग करते हो पैराग्राफ का चाहे वो कॉम्प्रीहेंजन पैसेज की बात हो चाहे वो ये वाली बात हो ऑलवेज रिमेंबर जब भी वर्ड पढ़ेंगे तो हमारा टारगेट होगा वर्ड पढ़ने का कि जैसे हमने लाइन पढ़ी तो हम अपने उन वर्ड्स को जो किसी कोमा या किसी फुल स्टॉप से पहले आ रहे हैं उनको एक साथ रीडिंग करेंगे एक साथ रीडिंग करेंगे आगे कह रहा है अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट कर रहे हैं वेरियस इंडमेंट ऑफ प्राइसेस क्वालिटी यूटिलिटी तीन वर्ड आए प्राइस क्वालिटी यूटिलिटी अब कहने का मतलब एक सिंगल पैराग्राफ नहीं सिखा रहा कितने भी पैराग्राफ हो कैसे पढ़ने वो सीख लो ध्यान से ऑलवेज रिमेंबर जैसे कैसे अपने वर्ड कैप्चर करते हो बेटा होता क्या अगर मान मैं लो मैंने इसको स्पीड में पढ़ा यहां तक मैंने बोला इन मोस्ट सेक्टर ऑफ द टू पोटेंशियल बायर विद सोटेंशियल ऐसी रीडिंग करोगे जो तो आप करते हैं एग्जाम के अंदर तो कभी भी आपके नोट मेकिंग के अंदर आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि कौन से पॉइंट्स है

ना सिर्फ इससे नोट मेकिंग रेडी होगा इस पैटर्न से आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को भी पढ़ने का तरीका सीखने वाले हैं मतलब पांच नंबर नहीं दस नंबर की बात कर रहा हूँ क्लास में लिसन टू मी तो जैसे आप किसी कंटेंट को रीडिंग करते हैं बेटा तो याद रखना वहां दो बातें आएंगी पहली बात तो जब मैं फर्स्ट टाइम पे अपने पैराग्राफ को रेडी कर रहा हूँ तो साथ साथ में अपनी पेंसिल लेके यूज करूंगा एग्जाम में और पेंसिल के थ्रू उन लाइन्स को उन वर्ड्स को हाईलाइट करूंगा जो मुझे लगता है कि भैया उस पूरे कंटेंट के अंदर मेन बेस बनता है

आप बनाओगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं यूज पेंसिल एग्जाम में भी अपने पास में पेंसिल यूज करना बेटा सिंपली जहां लाइन लगे जहां वर्ड लगे उसको हाईलाइट कर लेना इससे क्या होगा जब बना नोट बनाने बैठोगे तो आपको दोबारा रीडिंग नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपनी ओपन आई आई से ओपन आंखों से पढ़ते हो रीडिंग करते हो तो कंटेंट फैल जाता है ये आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है शिवानी वेलकम बेटा रावन वेलकम बेटा ओके स्टार्ट करते हैं सेकंड कह रहा है सर अभी मैं रीडिंग करवा रहा हूं फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो पहला क्या बोला हम रीडिंग करेंगे दूसरा कह रहे हैं शोर्ट टाइटल और हैडिंग बेस होंगे तो ऑटोमेटिक और उस आइडिया से ही आप बनाओगे अपना टाइटल याद रखना बेटा आपके पास में नोट मेकिंग में आपको टाइटल सब हेडिंग इनके नंबर मिलते हैं ओके थर्ड कहता हूं अंडरस्टैंड कंटेंट एंड अरेंज इन ए लॉजिकल सिक्वेंस अब लॉजिकल का मतलब क्या है अगर आपने पूरा कंटेंट पढ़ा तो उसको आप एक सिस्टमेटिक मैनर में कन्वर्ट करोगे

आपको समरी में प्राइसिस में तीन वन थर्ड में लिखना पड़ता है लेकिन जब आप नोट मेकिंग का पार्ट करते हो तो आपके पास लिमिटेशन दी गई है जितना बड़ा पैराग्राफ है उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट में मतलब लिखना पड़ता है ये दो नंबर जो आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा के टू में ये दो नंबर आपको मिलते हैं बेटा उस पैराग्राफ को ट्वेंटी फाइव परसेंट पार्ट मतलब कंप्लीट नहीं लिखना होता इसलिए नंबर ज्यादा लिखने के भी नंबर कटते हैं याद रखना कभी सोचो पूरा उतार किया जाओगे नहीं बेटा ये इलेवन ट्वेल्थ की बात नहीं याद रखना यहाँ पे बात सुनना वन फोर्थ पार्ट ही आपको लिखना है पूरे पैराग्राफ का अगर वो भी कौन सा वो भी वो वाले पॉइंट जो आपने कहां से लिखोगे आप पैराग्राफ में नहीं लिखोगे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं लिसन टू मी आप जब जब क्या करते हो जब आप नोट मेकिंग करते हो लिसन टू मी सुनो ध्यान से बात को नोट मेकिंग करते समय कुछ चीजें माइंड में रखनी जरूरी है लिसन टू मी तो नोट मेकिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक होता लीनियर और एक होता नॉन लीनियर जनरली आप लोगों ने देखा एग्जाम्पल मुझे बताओ यहां पर यहां पर जो मैंने हेडिंग बनाया मैंने एरो बना दिया मैंने बॉक्स बना दिए इसे बोलते हैं नॉन लीनियर पैटर्न क्या बोलते हैं नॉन लिनियर मैंने कहा नॉन लीनियर क्या है लीनियर क्या है इसके नीचे लिखू इसके नीचे ये क्या है जो पैटर्न में नोट्स का यूज कर रहा हूं ये मेरा नॉन लीनियर पैटर्न है और इस पैटर्न को आप यूज नहीं करेंगे बेटा क्योंकि तो आपके ऊपर जो प्रेफर किया गया है वो पैटर्न आपको प्रेफर किया गया, है, प्रेफर किया गया है, बेटा कौन से वाला हमें प्रेफर किया गया लीनियर पैटर्न

मैंने कहा एक पैराग्राफ की बात करता हूं मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं डीमोनेटाइजेशन मोनिटाइजेशन एग्जाम्पल एक प्लीज हेडिंग लिख रहा हूं मैंने लिखा डीमोनेटाइजेशन एंड रीमोनेटाइजेशन अगर मान लो कोई पैराग्राफ से मुझे ये समझ में आया कि मान लो एग्जाम्पल आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है और चांसेस मैंने क्या बोला इस बार चांसेस है कि आपके एग्जाम के अंदर कोरोना वायरस या कोविड नाइनटीन के ऊपर या तो कोई लेटर पूछ सकता है पॉसिबिलिटीज है आपके पास में एक आपके पास नोट मेकिंग कोविड नाइनटीन पे ही आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। जान से, जैसे मैंने अपनी बोलते हैं मैं डी दो लिखता तब भी, सीखता, ये भी तो हैडिंग ही है, है नोट तो मेकिंग नहीं है क्या ये भी हेडिंग है बट मैं कि सर क्या एक्चुअल में सिर्फ नोट बंद हुए थे क्या नोट नए नहीं, नहीं आए थे हाँ सर नए भी आए थे तो क्या मैं लिख सकता हूं डी मोनिटाइजेशन डी

आमना सामना. कह रहा, हम क्या होंगे तो वो अनप्लीजेंट होगा और हमारे पास में हमारे रिलेशन को डैमेज कर सकता है खराब कर सकता है बट इस पूरे पैराग्राफ से ऊपर की आपको ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि सर एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ये मुद्दा कहना क्या चाहता है एग्जाम्पल आगे पढ़ना मैंने कहा अब पढ़ना यू आर येट नॉट कन्फ्रंटिंग ए पर्सन डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम बिकॉज इशूज ऑल्सो रिलेशनशिप इन एडवर्स वे कह रहा जरूरी नहीं कि आप अपने पास डिस्कशन नहीं करोगे आमना सामना नहीं करोगे तो मतलब ये नहीं कि आपका रिलेशन हमेशा बना भी रह सकता है कह रहा सर सिंपल सी बात जरूरी नहीं कि किस आपका रिलेशन हमेशा अच्छा ही रहने वाला है यार एक्चुअली द रियल प्रॉब्लम इन लाइज इन स्टाइल इज कन्फर्टेशन नॉट इन द इशू कह रहा बड़ी दिक्कत क्या है इश्यू नहीं है बड़ा मुद्दा ये नहीं है हम चुप रहते हैं हम चीजों का आमना सामना करना नहीं एग्जाम्पल एक बात बताओ मार्केट में जो प्रोडक्ट आपको बेचा जाता है एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल एक आर्टिकल लिखा हुआ है लिसन टू मी एक आर्टिकल लिखा हुआ है और आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ गया कि वहां पर लिखा हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरर सामान बना रहा है और आपसे एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहा है जब आप दो कुछ वक्त पहले बिग बाजार के ऊपर मैक्स के ऊपर ही ब्रांड्स हैं इनके ऊपर एक अपने पास केस चला था ये था कि भैया ये लोग क्या करते अपना जो कैरी बैग होता है ना कैरी बैग जो सामान डालने का बैग होता है उसके प्राइस चार्ज कर दे कस्टमर से तो एक कस्टमर ने केस डाल दिया आज तक सारे कस्टमर चुप रहे लेकिन एक कस्टमर ने केस डाला तो बाद में प्रूव हुआ कि जो तो जीएसटी चार्ज करते हैं उसमें सर्विस के नाम पर उन्हें कैरी बैग देना होता है तो भैया याद रखना बिग बाजार को पेनल्टी पे करनी पड़ी थी अब मुझे जब तक आप आमना सामना नहीं करोगे तो क्या होगा जब तक आप कन्फ्रंटेशन में आमना सामना नहीं करोगे प्रॉब्लम का तब तक रिजोल्यूशन आ ही नहीं सकता आपके पास में चुप रहना सोल्यूशन नहीं है तो याद रखिए लिखा हुआ आगे पढ़ो अब कह रहा है हमारे पास में टिपिकली वी यूज करेक्टर बेस्ड दे कन्वर्टेशन वेंटिंग अवर एंगर हर्ट बट दैट इज ओनली थिंग दैट दे डू द लीड टू एंग्री शो डाउन ऑल डिस्कशन ऑन ए ग्रैंडिंग हार्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सेल्फ इमेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजिशन ऑफ ऑल ह्यूमन बिइंग रिपीट कर रहा हूँ किस स्पीड से आप लोग इसको पढ़ रहे हैं वन बाय वन लाइन जो पढ़ेंगे उसका मीनिंग हैंड टू हैंड निकलता जाना चाहिए ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए इसी तरीके से मैं पूरा पार्ट पढ़ूंगा आगे पढ़ूंगा तो जैसे जैसे को रीडिंग करते जाएंगे आपके सामने एक image, एक इमेज पिक्चर निकलती आएगी आपके कंटेंट की जैसे मैंने बोला अगर कोई कंटेंट दिया गया और वहां कंटेंट से मुझे समझ में आ रहा कि भाई गवर्नमेंट की बात कर रहे हो यहां बात कर रहे हो कन्फ्रेंटेशन की बात कर रहे हो कि लिसन टू मी क्या बोला नो no, कन्फ्रेंटेशन ना करना आमना सामना ना करना क्रिएट ना करना एक सोल्यूशन नहीं है इज नॉट अ सोल्यूशन एग्जाम्पल इसके बनाऊ क्वाइट नॉट ए सोल्यूशन बताओ अगर मैं इसकी हेडिंग बनाता तो अगर मैं मान लो मेरी मर्जी है ना अब मेरे को यहां तक क्या समझ में आया मुझे तक समझ में आया कि अगर मैं लिखता चुप इज नॉट सोल्यूशन लिखता इज नॉट ए सोल्यूशन अब मुझे बताओ क्या ये मेरी हैडिंग नहीं कहला सकती क्या बताओ ये भी तो हैडिंग बन सकती है इन शॉर्ट है बेटा बनाने के लिए बट मेरा ध्यान रखना हेडिंग ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके कंप्लीट पैराग्राफ को एक छोटा मीनिंग दे सके मैंने आपको क्यों वर्ड उठाया अगर मैं बात करता इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा पॉपुलेशन की बात कर लो कोविड नाइनटीन की बात कर लो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो कॉमन स्ट्रक्चर निकल के आएगा कॉमन स्ट्रक्चर निकल के आएगा तो पॉइंट इज अब आपको कैसे लिखना है पैराग्राफ में क्या दिया आपकी हेडिंग हमेशा उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए चले आगे हां सर हां बेटा चलेगा यस यूज चलेगा अब सुनो ध्यान से कैसे हेडिंग लिखी अब हैडिंग के नोट में की में आता है कि आप लिखोगे अपना नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर अगर वन टू थ्री यूज नहीं कर रहे हो तो मैंडेटरी नहीं है यू कैन यूज कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एज आई टोल्ड यू एग्जाम में जो आने वाला है बच्चे बोलते कितने लिखे बेटा तीन नंबर में आएगा नंबर में नोट वाला पार्ट और दो नंबर में समरी वाला पार्ट तो जवाब दो मुझे कि अगर तीन नंबर में मुझे नोट वाला पार्ट लिखना है नोट्स बनाने हैं तो तीन नंबर में कितने हेडिंग बनाऊ रिप्लाई करो तीन नंबर में कितनी हैडिंग बनाऊं कि मुझे टोटल तीन नंबर मिल जाए रिप्लाई करो हेडिंग के बाद में जैसे मैंने हेडिंग बनाई ये लिखना नहीं हैडिंग ऊपर वाला पार्ट जैसे मैंने हेडिंग बनाई तो हेडिंग के बाद में कितने पार्ट लिखूं कि मेरे पास में मुझे तीन नंबर एटलीस्ट मिल जाए तो मिनिमम अगर मैं तीन हेडिंग बनाऊंगा तो मेरे तीन नंबर स्कोर हो जाते हैं तीन के बाद चौथी हेडिंग का बहुत बेस्ट पार्ट दूंगा आपको कौन सा पार्ट है सर लिसन टू मी आप वेरी गुड तीन से चार वेरी गुड हाँ चार काफी होंगे थी। थी, थ्री टू फोर मिनिमम थ्री मैक्सिमम फोर इससे ज्यादा हेडिंग बनाने की कोशिश मत करना मिनिमम थ्री मैक्सिमम फोर इससे ज्यादा हेडिंग बनाने की कोशिश मत करना आपको इसे हेडिंग नहीं बनानी है बेटा ओके अक्षत हिमांशु खुशी जय उजैर अंकित लावण्या वेरी गुड रिया बहुत बढ़िया अक्षत देवयानी प्रियंका एक्जैक्टली नहीं देवयानी बेटा नोट फाइव टू सिक्स ओनली थ्री टू फोर बना तीन का टॉपिक है तो तीन नंबर के पोर्शन में ज्यादा नहीं भरना आपको वहां पर अब मुझे बताओ जैसे ही मैंने यहाँ पे हेडिंग उठाया एग्जाम्पल मान लो मेट नाइनटीन का पेपर था हमारे पास में मेड नाइनटीन का पेपर हमारे पास में था तो जैसे ही मैंने कहा कि मेट नाइनटीन का पेपर मैंने उठा के देखा और यहां पर मैंने बोला लो भैया आपके मेट नाइनटीन के पेपर के हेडिंग देखना प्लीज प्लीज चेक करना जैसे आपने ये पढ़ा अब आपको आज एक पेपर होमवर्क के लिए दू और एक मैं समझाऊंगा यहाँ पर चलो देखते हैं आईसीआई कैसे रहते है आईसीआई ने क्या पूछा आईसीआई का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ऐसे होता है बेटा देखो ध्यान से दिखाता हूं और प्लीज अब मैं वही पार्ट करूंगा जो आप मुझे कहोगे ठीक है तो मैं इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन नोटबंदी वाला नहीं पिक करना ये पिक करने वाला हूं कह रहा है मुझे जवाब दो पहला तीन नंबर का पार्ट आएगा मेक नोट्स लिखा हुआ है नोट्स बनाओ हेडिंग यूज करो सब हेडिंग यूज करो एब्रीवेशन यूज करो वैन एवर वेर एवर नेसेसरी जब आपको देखो तीन चीजें हमारे पास में तो तीन चीजें कैसे आती हैं कि एक तो पहला पार्ट हमारी हेडिंग का पार्ट होता है हेडिंग के बाद में हम लिखते हैं अपने पास में सब हेडिंग और सब हेडिंग के लिए आप या तो कैपिटल ए या यान टू थ्री यूज करते हो सब हेडिंग के बाद में जैसे आप सब हेडिंग का यूज लगाते हो इसके अंदर आपके पास में यू कैन यूज लाइक दिस इसके अंदर आप अपने पास में अगर ये एरो करके कर भी यूज करते हो तो भी गलत नहीं होगा मैंने बोला एग्जांपल के लिए बुलेट नंबर अगर बुलेट लिखना चाहूंगा एग्जांपल लिख देता हूं ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दो से तीन पॉइंट आप इसमें लिखें एक हेडिंग के अंदर दो से तीन पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने पास में ज्यादा आपकी चॉइस है लेकिन ज्यादा मत लिखना हाँ सुधी बेटा बेटा यस हेडिंग के बाद में सब हेडिंग और सब हेडिंग के बाद में क्या आएगा इसमें लिखा जाता है बेटा सब सब हेडिंग बोलते हैं इसको मतलब सब हेडिंग की भी हेडिंग ये सब सब पॉइंट बोल सकते हो इसको आप सब सब पॉइंट सब, सब हेडिंग के भी पॉइंट्स यहां भी सब हेडिंग के पॉइंट्स अब देखो सीखना क्या समझाने वाला हूं यहां भी सब पॉइंट सर मतलब क्या बोल रहे हो रिसेंट टू मी पूरा फोकस सामने अब जो बोलने वाला हूं उस बात को सुनना ध्यान से हेडिंग जो होगी हेडिंग के बेस पर आपकी होगी सब हेडिंग याद रखना और जो यहां पर सब सब पॉइंट लिखते हो ये इसके रिगार्डिंग नहीं होंगे ये होने चाहिए इसके रिगार्डिंग क्या बोल रहा हूं जो आपने हेडिंग लिखा हेडिंग की सब हेडिंग जो होगी वो हेडिंग के अकॉर्डिंग चलेगी लेकिन जो है सब हेडिंग में पॉइंट लिखे जाएंगे वो होंगे आपके इसके रिगार्डिंग पॉइंट मतलब आप उसके अंदर हेडिंग का डिस्कशन नहीं करोगे उसके बारे में बात नहीं करोगे आप बात करोगे सिर्फ जो आपने यहाँ पर सब हेडिंग लगाई उसकी बात करोगे हाँ बेटा अलग से बना सकते हो यस यस बेटा येस, बेटा अनिल अलग से बनाएंगे टेबल हम चले ऐसे ही मैंने बोला ए पार्ट लिखा ए के बाद मैंने बनाया बी उसमें भी सब हेडिंग अभी सिखाऊंगा तरीका हम करके देखेंगे हमारे पास में और उसके बाद में उसमें भी ए बी सी डी चाहू तो तीन थ्री टू फोर ज़्यादा मत लिखना दो या तीन चार पॉइंट लिखना मत लिखना इसके अंदर तो वहां भी क्या लिखूंगा सब सब या सब सब हेडिंग बोलते हैं इसको अब सर ये समझा दो कैसे करना है तो आई थिंक एक बात देखो से बेटा तीन बार मेरे को कम से कम थ्री टू फोर बार थ्री टू फोर टाइम्स मुझे ये वाला पॉइंट यहां पर बनाना है की पर आप हैडिंग लिखोगे हेडिंग के बाद ए बी सब हेडिंग होगा और

अभी मैं क्वेश्चन लूंगा तब अच्छे से क्लियर होगा आपको पैटर्न सीखो पैटर्न मैंने बोला तो यहां पर भी क्या ए बी सी डी मेरी है सी तक लिखू, तक डी वही वही बात बेटा करने वाला बेटा वही करने वाला, वही करने वाला अभी रुक जाओ वही करने वाला हूँ पहले मैं एक बार एटलीस्ट का फॉर्मेट लिख लेते हमारे पास में अभी तो बहुत सारे बच्चे जिनको पॉइंट्स फॉर्मेट अभी क्लियर नहीं है तो जैसे ही मैंने ये लिखा तब सब पॉइंट लिख लिए अब इसके बाद क्या होगा न फ्रेम यूर फोर्थ हेडिंग उसको आप बोल सकते हो की एब्रीवेशन मतलब याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पास में आप सारी हेडिंग ही बनाओगे आपकी फोर्थ हेडिंग की एब्रीवेशन की भी बना सकते हो और की एब्रीवेशन का मतलब एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास में तीन चीज एब्रीवेशन एक्म हम यूज कर सकते हैं और सिंबल यूज कर सकते हैं तो पॉइंट इसका मतलब क्या है जो भी वर्ड्स आपके पास में उनको अगर मैं बोलूं जो भी वर्ड्स आपने पूरे में जो भी वर्ड की याद करूं, या मैं कहां से करूं। देखो अब सी बात बार बार पैराग्राफ बार बार मतलब बार बार पढ़ना नहीं है अब सुनोग से ये जो की एब्रीवेशन निकालूंगा कहां से निकालूंगा बेटा जो आपने अभी ऊपर पीछे तीन हेडिंग बनाई है ना ये वाली तीनों जो ने बनाई है इन्हीं हेडिंग के जो आपने वर्ड लिखोगे भी सिखाऊंगा आपको तो वर्ड लिखोगे उसी के पॉइंट को आप ए बी सी डी ई कर सकते हो याद रखना की एब्रीवेशन एग्जामिनर एक स्टूडेंट के पॉइंट से आपको ज्यादा मैक्सिमम सेवन टू एट की एब्रीवेशन लिखना अलाउड होता है आप सात से आठ सात या आठ से ज्यादा की एब्रीवेशन नहीं लिख सकते कभी वर्क आओ कि पूरा एब्रीवेशन क्या हो आंसर इज नो मैक्सिमम सेवन टू एट और मिनिमम फोर टू फाइव की एब्रीवेशन आप यूज कर सकते हो बेटा प्रवांशु वही बताया मैंने आपको प्रवांशु एब्रीवेशन कितनी लिखते हैं प्रवांशु मैक्सिमम सेवन टू एट एब्रीवेशन और मिनिमम फोर टू फाइव एब्रीवेशन इससे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल इकोनॉमी लिखना है तो इकोनॉमी लिखने का तरीका क्या है एग्जाम्पल तो मैं एग्जाम्पल ई सी एन एम वाई लिख सकता हूँ देखते हो तरीका सुनो एब्रीवेशन लिखने का पैटर्न सुनो क्या क्या होता है ये पहले पैटर्न बात करेंगे फर्स्ट पैटर्न है बेटा या तो जो वोवल्स होते हैं वोवल्स कौन से ए ई आई ओ यू जो आपके पांच वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू अगर आपके वर्ड में वो पांचों वोवल्स हैं तो आप अगर उन वोवल्स को हटा देते हो एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखना है इकोनॉमी मुझे बताओ मैंने इकोनॉमी वर्ड लिखा तो मैंने बोला एग्जाम्पल अगर मैं इकोनॉमी लिखा इकोनॉमी तो लिखूंगा नहीं तो मैंने ई पूरा लिख लिया लेकिन मैंने बोला A, e, I, o, U है तो अगर मैंने मैंने दोनों ओ हटा दिया क्या बन गया ई सी एन एम वाई तो दिसन एब्रीवेशन है लिखना है बेटा आपने इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके पास की एब्रीवेशन के नंबर कभी कटेंगे नहीं आपके वो टॉपिक हमेशा सही करेगा सरकार का वाला की सही करना ही पड़ेगा आप लोगों का गलत नहीं कर सकता तरीका सीख लो पहला तरीका क्या है या तो आपके जो वर्ड जिसको आप शॉर्ट में लिख रहे हो उसके वोवल्स को हटा दो दूसरा तरीका है अपने पास में आप चाहो तो आप चाहो तो जो वर्ड है उसका पहला वर्ड आपके पूरे वर्ड का आपका फर्स्ट लेटर और आपका लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों को लिख सकते हो जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला माउंटिंग तो अगर मैं इसको एम जी लिखता हूं तो ये भी आपकी एब्रीवेशन में डोट लगाना पड़ेगा एम जी डोट तो एम स्टार्टिंग लेटर है और जी लास्ट लेटर है तो एम और जी भी लिखता हूं तो ये मेरा सेकंड तरीका है कौन से वाला एब्रीवेशन लिखने का इज इट क्लियर यस वेरी गुड डॉक्टर का डी आर लिख दिया वेरी गुड वो बने बनाए से बेटा exactly. नहीं बेटा इमोजी नहीं नहीं इमोजी बना सकते बट यू कैन यूज सिंबल्स आप अपने पास में सिंबल्स यूज कर सकते हो एक्साम्पल मैंने इंक्रीज बोलता हूं तो मैं इंक्रीज कैसे लिखता हूं मैं एरो अप करता हूं इंक्रीज ऐसे कर देता हूं इंक्रीज

तो समरी आती है दो नंबर की नोट मेकिंग समरी दो नंबर की आएगी इसमें आपको लिखना होता है मैक्सिमम ओनली अपू ट्वेंटी फाइव परसेंट पार्ट ऑफ दी होल पैराग्राफ अब आप ये बोलोगे सर क्या हम दोबारा देखो बच्चे क्या करते हैं सभी बच्चे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं दोबारा से पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हैं अपने पार्ट को लिखने के लिए ट्वेंटी फाइव मतलब वन फोर्थ पार्ट आपको लिखना होता है अपने पास में नोट के अंदर तो याद रखना अब आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना

नीचे लिखोगे बस याद रखना जैसे आप लिखोगे ना आप चेक करना आपका पैराग्राफ का जो पार्ट बनेगा दैट इज अराउंड द वन फोर्थ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ मतलब मुझे एक बार पैराग्राफ पढ़ने के बाद में दोबारा बार बार समरी लिखने के लिए पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है दूसरी बात बेटा याद रखना एज इट इज नहीं चिपकाया जाता इसलिए बोल रहा हूं अगर आपने नोट में जो लिखना शुरू किया पैराग्राफ में देख के लिखना चाह तो पैराग्राफ में जब लिखना चाहोगे आप देख के तो आप क्या करते हो तो आप सेम लाइन को रिपीट करते हो

द सब हेडिंग एंड सब सब पॉइंट जो ऊपर आपने लिखे हैं बेटा उसी के सब उसी के सिमिलर और उसी से मिलता जुलता उसी पर डिपेंड आपका ये होना चाहिए उससे अलग नहीं होना चाहिए याद रखना तो बेस्ट पार्ट इज जो ऊपर लिखा उसी को कंप्लीट लाइन में नीचे लिख दिया आओ सिखाता हूं तरीका करते हैं हाँ सर अब करवाता हूं बेटा पूजा वही करवा रहा हूं बेटा तो पैटर्न क्लियर हो गया अब मैं आता हूं क्वेश्चन के ऊपर चलिए लीजिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर चेक करते हैं क्वेश्चन तो हमारे पास में नाइनटीन का पेपर भी है हमारे पास में इसका पेपर भी है तो मैं एग्जाम्पल मे नाइनटीन की बात कर दूं या नवंबर की बात कर लेता हूं रिसेंट टू में चलो मैंने कहा चलो मैं आपके पास मे पेपर पेपर उठा रहा हूं अच्छा पेपर है Listen to me, चेक करो मैंने कहा फोकस करके सामने यहां पे आओ सीखते हैं यहां पे चले नहीं बेटा समरी में अवजैर हाँ समरी के अंदर नो एब्रीवेशन समरी में आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म या मैसेज लैंग्वेज यूज नहीं करोगे नो कैन बी इन समरी पॉइंट कंप्लीट कंप्लीट वर्ड वर्ड लिखने होते हैं complete word लिखेंगे आप लोग याद रहेगा हाँ मैं आइए तो क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं आओ तो मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन है आपका पेपर है मे का मे के पेपर के अंदर हम बात करते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग तो बोला तीन नंबर में नोट बनाओ और दो नंबर की समरी लिखो तो दो नंबर की समरी इसी तीन नंबर पर टिकी हुई है मेरे पास में चले आगे सर हेडिंग के लिए आई एंड सर हेडिंग के लिए हाँ लिख सकते हो बेटा बेटा वो पैटर्न भी यूज कर सकते हो यस yes. मैंने तरीका बताया पैटर्न यूज कर सकते हो फायर वही करवा रहा हूँ बेटा चले स्टार्ट करें अकाउंट का हाँ बेटा शिवानी कर सकते अकाउंट का शेवा नहीं कर सकते हाँ कर सकते वो अलाउड है बेटा एग्जैक्टली पूजा हाँ नोट मेकिंग का लिमिट है बेटा लिमिट है वो बता रहा हूँ मार्क्स पांच नंबर है क्यों फालू टाइम वेस्ट करोगे अपने पास में आई स्टार्ट करते हैं चलो 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 पैराग्राफ पढ़ते हैं पैराग्राफ पढ़ के मुझे आप बतानी है हेडिंग मैं आपके क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखने जा रहे हैं अपना नोट मेकिंग का पार्ट आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हैं पूरा फोकस सामने चले सर फोकसेशन समरी के बाद ये लिखना है यूज कर कर सकते नहीं कर सकते नहीं अंकित समरी में अब्रीवेशन यूज नहीं होंगे बेटा बोल दिया नहीं करने आपने क्या आज तक तो नवंबर नवंबर में एग्जाम हुआ है बहुत हार्ड होता है अरे नहीं बेटा जैसा कुछ नहीं है जय सिर्फ बातें हैं बेटा तैयारी करके जाओगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है लिसन टू मी चिल मारो पैटर्न आ गया सब आ गया तो पढ़ते हैं अपने पास में हमें तीन और दो पांच नंबर का काम करना है जिसके लिए मुझे इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा और अब आप सब लोग पैराग्राफ पढ़ोगे पैराग्राफ जैसे ही खत्म करूंगा मैं आप लोगों से आप सबकी सभी जितने बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं सब बच्चे मुझे अपनी अपनी एक एक हेडिंग देंगे तो, तो जितने बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं सबकी कितनी हेडिंग निकल के आएगी और उन्हीं में से एक हेडिंग मैं भी आपको दूंगा और हम यूज करेंगे हेडिंग को चलिए आइए बात करते हैं मैं रीडिंग कर रहा हूँ फोकस सामने स्टार्ट करते हैं चलो रीडिंग कर रहा हूं

मैक्सिमम सेक्टर इकोनॉमी के मैक्सिमम सेक्टर के अंदर सैलरी होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है कैसे प्राइस दिखाकर या क्वालिटी दिखाकर दिखा, मतलब, लेता है इसका मतलब किंग हा है ना अगर मैं बोलूं क्या बायर किंग नहीं होता क्या होता है सर चले आगे समझ तो में आ गया बायर कौन हुआ बायर किंग हो गया आगे पढ़ता हूं

Pinky में लिखा है कि भैया बायर के पास चॉइस नहीं पीन में लिखा है आपके पास में कि बायर ही आपके पास किंग है दूसरा बात करता हूं कह रहा सर बट जहां पर सेलर एक होता है वहां पर उसके पास चॉइस नहीं होती आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट यूजली असर्ट मोनोपोली एंड प्लेसिज द इंडस्ट्री अंडर प्राइस एंड अदर रेगुलेशन जनरली गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट क्या करती है जहां पर एक को बेचने का नंबर आता है तो वहां पर गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सेलर को मोनोपोली राइट right प्रोवाइड करवा देती है चलो मान लिया आगे बढ़ते हैं रीडिंग करते हैं अभी पढ़ता रहा जान से, अभी बायर की बात हो रही अभी तक कंटेंट निकल के नहीं आया नीदर ऑफ दिज कंडीशन मतलब स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ के अलावा वेरी गुड ज्ञान वेरी गुड वेरी गुडानंद सुनो ध्यान से बात को बाकी पैराग्राफ अभी आपने रिप्लाई तो कर दिया बट आपने अपनी हेडिंग चूज की ओनली और ओनली इन चार से पांच लाइन को पढ़कर बट कहानी बदल चुकी है और दिखाता हूं कह रहा नीदर ऑफ दिस कंडीशन प्रिवेल इन मोस्ट ऑफ दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रिवेल नहीं करती लागू ही नहीं होती है तो होती नहीं क्यों सर आइए पढ़ते हैं कह रहा पहला पढ़ो अब यहां पढ़ो इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज द मिरर इमेज ऑफ द ऑर्डनरी रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो डॉक्टर और आपके पेशेंट का रिलेशन है अब देखो मैं चाहूंगा बेटा आप लोगों से प्लीज इसी चीज को जाना ध्यान से जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हो अब चेक करो जैसे ही लाइन को पढ़ोगे ना पढ़ रहे हो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरह ही होता है अपने ब्रेन के अंदर एक एक्चुअल इमेज बनाना शुरू कर दो करना नहीं है बन रही है चेक करो आपके माइंड में जैसे डॉक्टर पेशेंट का नाम लिया आपके माइंड में एक इमेज बनी हॉस्पिटल की इमेज बन गई तो वहां पर जैसे वर्ड यूज किया प्रोड्यूसर है कस्टमर है

और उसके बाद अगर कोई रियल चॉइस नहीं है मतलब उसके आस पास में वही एक डॉक्टर है, है क्या आपने भैया बोला मेडिसिन कितने की बोला भैया पांच सौ रुपए की भैया कम लगा लो दो सौ की लगा लो डेढ़ अकेला मेडिकल चेक करो एक ऐसा सेक्टर जहां पर आप बार्गेनिंग नहीं करते जल्दी से आप नेगोशिएशन नहीं करते करते हो क्या आप लोग बताना मेडिसिन के अंदर भाई साहब कितनी फीस है बोला पांच सौ कम ले लो दो सौ कम ले लो करते हो क्या डॉक्टर ने लिख दिया मेरी फीस दो हजार रुपए है तो लेता दो तो हजार नहीं लेता। वेरी 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 अभी और निकल के आएगा आंसर डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन एक प्रोड्यूसर कस्टमर की तरह ही होता है लेकिन बात यह आती है कि सर आपके पास में जनरली जब आपके पास कोई फिजिशियन का ऑप्शन नहीं होता तो वहां पर डिसीजन एज ए बायर एज ए कंज्यूमर होते हुए भी चॉइस तो आपके पास नहीं होती उसने बोला आपके लिए ये मेडिसिन चाहिए आपको इतनी फीस है ये चीजें हुई हैं। होता है ना आगे आगे लिखा हुआ है कौन सी मेडिसिन आपका एक्सरे होना है नहीं होना आप जब एक आपके एक ऐसा डॉक्टर के पास चले गए आपके पास डॉक्टर के ऑप्शन नहीं है एग्जांपल के लिए इसने कहा उसके गड़ी?

तो उस डॉक्टर के डिसीजन को अपोज करेगा जनरली लोग अपोज नहीं करते आगे लिखा हुआ है रेज इन एडवांस क्वेश्चन अबाउट व्हेन द एलिमेंट इज रिगार्डेड एज ए सीरियस चेक करो जहां पर आपका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा सीरियस नेचर का हो बहुत रेयर होता है कि कोई कस्टमर कोई पेशेंट डॉक्टर से ये बोले कि भाई साहब प्राइस कम कर लो ये कितने का एक्सरे हुआ कितनी कॉस्ट बैठती गई पूछा आप लोगों ने कि किसी का सीटी स्कैन होने वाला है बोलते हो जी आपका खर्चा कितना लगता है इसके अंदर आपने मुझसे चार्ज किया करीबन पांच हजार क्यों चार्ज किया सो बहुत रेयरली होता है आगे बढ़ते हैं असली कहानी बोल रहे हैं ना सुनते रहो आगे नेक्स्ट सुनो This is particularly सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मतलब है इंपॉर्टेंट बोलता है सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट को बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द हॉस्पिटल बातें हैं आपके पास में किसके कनेक्टेड है सर डॉक्टर होता है ना फिजिशियन आपको चेक करने वाला जो चिकित्सक है हिंदी में बोलते चिकित्सक बोलते हैं सर्टिफाई करेगा कि भैया सिंपल सी बात आपको हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है आवश्यकता है अगर आप नहीं एडमिट हो गए आपको अगर ड्रिप नहीं लगाया गया आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ आप तो बहुत बीमार हो जाओगे पहले आराम से तुम्हारी आप करते हो, जो जाते हो बहुत तुम्हारी केयर करेंगे बिल इतना बड़ा बन गया ये बिल बन गया आपके पास में यस सर वेरी गुड अरे वाह शिवानी प्रवीण बहुत बढ़िया बेटा हिमांशु वेरी गुड आगे रीडिंग करते हैं खत्म होने वाला है द पेशेंट अब आपके माइंड में आई थिंक हेडिंग बननी शुरू हो चुकी है चेक करना द पेशेंट मे बी कंसल्टेड अबाउट सम ऑफ द डिसीजन बट इन द मेन दिन डॉक्टर जजमेंट दैट इज फाइनल पेशेंट कुछ डिसीजन ले सकता है लेकिन ये एग्जाम्पल ऑपरेशन करवाना नहीं करवाना है पेशेंट के हाथ में लेकिन मेन जजमेंट मेन डिसीजन एट दस किसके हाथ में है वो जजमेंट है डॉक्टर के हाथ में आगे लिखा हुआ है लिटिल वंडर हॉस्पिटल इज इज दू इज द रियल कंज्यूमर अगर आप चेक करो डॉक्टर के लिए तो पेशेंट आप हो एग्जाम्पल डॉक्टर के लिए कस्टमर आप हो तो लेकिन जवाब देना अगर मैं बोलू कि एक्चुअल कंज्यूमर कौन बन रहा है यहां पर यहां पर जो जिस, जिस डॉक्टर की सर्विसेज हॉस्पिटल ले रहा है बेटा वो हॉस्पिटल जो डॉक्टर है वो कौन है बेटा वो उसके लिए कस्ट्यूमर काम कर रहा नहीं कर रहा कर रहा है आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ

चेक करो कितना बड़ा अभी मैं वन बाय रीडिंग कर रहा हूं अब मुझे बताओ यहां तक अब एक बार चेक करो हमने सिर्फ इसको सिंगल टाइम रीडिंग किया कि आपके माइंड में पिक्चर बनी नहीं बनी रिप्लाई करो हमने इसको सिंगल टाइम रीडिंग किया तो सिंगल टाइम रीडिंग में याद रखना पहले पैराग्राफ का मीनिंग क्या निकल के आया था सेकंड का मीनिंग क्या निकल के आया और थर्ड का मीनिंग क्या निकल के ये याद रखना चले आगे आते हैं आगे पढ़ रहा हूं कह रहा ऑल ऑल्दो यूजुअली देयर आर इन द सिचुएशन और आइडेंटिफिएबल पार्टिसिपेंट अब चेक करना इन सारी सिचुएशन में हॉस्पिटल डॉक्टर पेशेंट इनमें चार लोग निकल के आए कौन कौन है चेक करना फिजिशियन हॉस्पिटल पेशेंट एंड द पेयर फाइनली पैसा कौन पे कर रहा है ये चार लोग इसके अंदर काउंटअप होते हैं हॉस्पिटल के अंदर आगे बढ़ रहा है द फिजिशियन मेक्स द डिसीजन ऑफ ऑल ऑफ डिसम करता है सर द हॉस्पिटल बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ द फिजिशियन यस सर द पेयर जनरली मीट्स मोस्ट ऑफ द बोनोफाइड ए बिल जनरेटेड बाय द फिजिशियन हॉस्पिटल द मोस्ट पार्ट ऑफ द पेशेंट प्ले दोल जो बिल आपने जनरेट किया हॉस्पिटल ने जनरेट किया डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया वो एट द एंड जो बिल बनता है चेक करना इस बार दोबारा से आने का चांस है के ऐसी चल रही है हॉस्पिटल के अंदर चले हाँ प्रिवेंशन बेटा आगे बढ़ते हैं जस्ट प्लेन वरी द पेशेंट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू यूज ऑफ द प्राइस जनरली छोटी छोटी मोटी चीजें ऑपरेशन लिसन टू तो मी जब छोटे मोटे ऑपरेट एग्जाम्पल हेड एक् हो रहा है स्टमक पेन हो रहा है इनमें आपकी चलती है चेक चेक करना करना लेकिन जनरली आप चेक करना, जब आपकी बीमारी बड़ी होती है तो आप वहां पर आपकी नहीं चल पाती बेटा क्योंकि तो एक्चुअल में आपको पता पेशेंट बचाना है तो आप पे करने रेडी हो डॉक्टर साहब बचा लो कैसे बचा लो आगे पढ़ने का लिखा हुआ इन इलनेस दे दैट आर सम समिफिकेंट्स लिखी है, ने ने लिखी कह रहा है। वो हमेशा ये देखता है कि भैया सिंपल सी बात मेरा बीमारी कितना बड़ा था मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी उसके सोल्यूशन के लिए मैं किस पर्सन को डील करूं हॉस्पिटल में जाऊँ फिजिशियन के पास पहुंच जाऊँ इस सारी चीजें कौन डिसाइड करता है डिसाइड तो पेशेंट करता है लेकिन पॉइंट इज पहला डिसीजन पेशेंट के पास में बाकी डिसीजन किसके पास में हॉस्पिटल डॉक्टर के पास में होता है आगे लिखा हुआ लास्ट पढ़ते हैं कह रहा सर एंड इज द फॉर इलनेस दैट आर द बल्क ऑफ द हेल्थ केयर स्पेंड दस्टिमेट अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर आर डिटरमाइंड द फिजिशियंस हॉस्पिटल में जितना खर्चा आपका लगता है एक रिसर्च कहती है कि भैया 75 से 80 परसेंट तक का खर्चा डॉक्टर ही डिसाइड कर लेते हैं

इस पार्ट की एक अच्छी हेडिंग क्या हो सकती है सर हमें नहीं पता हमें नहीं पता हम बता देंगे हम बता देंगे अब सुनो ध्यान से बात को मुझे जवाब दो इसके अंदर अब आपको हेडिंग चूज कैसे करनी होती है सुनो ध्यान ध्यान से से जय बेटा वेरी गुड। वेरी गुड गुड अरे उजेर ने भी हेडिंग दी कहता है सर हेडिंग ले लो डोमिनेशन बाय फिजिशियन डोमिनेशन बाय फिजिशियन हेडिंग तो मैं लिख रहा हूं आपकी हेडिंग तुम लोग मुझे हेडिंग दो तुम मुझे हेडिंग दो मैं तुम्हें तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा उजेर ने कहा डोमिनेशन बाय फिजिशियन एक बार चेक करना तुम्हें किसकी हेडिंग सबसे ज्यादा पसंद आती है और तुम्हारे दिमाग खुलेंगे यहां से यस yes, सर और क्या है और क्या बोला सर फिजिशियन द रियल किंग लावण्य कह रही है दो तो भैया दो मुझे हेडिंग चाहिए फिजिशियन द रियल किंग वेरी गुड अरे वाह ज्ञानी लोगों डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर पूजा बेटा यहां पर इकोनॉमिक सेक्टर सिर्फ एक ही है यहां सिर्फ की 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 बात 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 गई गई है बेटा। तो जब जिसकी जिसकी ज़्यादा उसकी सबसे हो। याद रखना इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात सबसे ज्यादा की गई हो पैराग्राफ में वही आपका हेडिंग का पॉइंट बनेगा अब बताओ हेडिंग क्या बनेगी यस सर कंज्यूमर अंडर डिफरेंट वंशी का कह रही है अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री लो भैया जो मैं लिखूंगा मैं लिखता रहूंगा अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री डिफरेंट रोल ऑफ बायर इन मार्केट मोनोपोली इन वैरियस फील्ड ऑफ सेक्टर प्रिवीन के स्क्रुति कह रही है रिलेशन बिटवीन फिजिशियन पेशेंट अरे वाह रिलेशन बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट वेरी गुड हेल्थ ऑफ कंज्यूमर जय कह रहे अंगित कह रहे नॉट किंग ऑल द टाइम वेरी गुड कंज्यूमर नोट द किंग ऑल टाइम तुम चेक करो बेटा तुम लोग कहते तुम्हें हेडिंग बनाएंगे कितनी हेडिंग है कितनी बार हेडिंग बनाई बताओ तुम्हें पता होना चाहिए ये सेम हेडिंग का टॉपिक आपके पास ये तरीका जो अभी सीख रहे हो यही तरीका काम आएगा आपके पांच नंबर के प्रेसिस राइटिंग के अंदर पता आप लोगों को वहां पर यही पैटर्न काम आएगा इसका मतलब तुम अभी पे दो चीज सीख रहे हो एक नहीं सीख रहे यस सर मोनोपोली इन मेडिकल सेक्टर वेरी गुड हरीश बहुत बढ़िया बेटा मोनोपोली इन मेडिकल सेक्टर जिन बच्चों का मैंने स्किप किया बेटा वो अपनी हेडिंग दूसरी सेकंड हेल्थ हेल्थ केयर केयर सेक्टर एंड वाइड बायर वेरी गुड ए डोमिनेटिंग सेक्टर वेरी गुड आई थिंक अब आइडिया मिल चुका आप ज्यादा लिखने का फायदा नहीं है हेल्थ इज वेल्थ शिवानी कह रही है फिजिशियन द एडवाइजर कैसा है अरे वाह हिमांशु फिजिशियन द एडवाइजर अब मुझे एक बात बताओ आप लोगों ने हैडिंग कमी नहीं है पावर इन द हैंड्स वेरी गुड सीजल बहुत बढ़िया सीजल वेरी गुड बेटा दिव्या कह रहा मेरा दिव्या पढ़ा बेटा आपका नहीं पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा बेटा पढ़ा है मैंने डिफरेंट ऑल ऑफ बन मार्केट पढ़ लिया मैंने बेटा वो बोला मैं लिख कुछ रहा हूँ सारे लिख नहीं रहा हूँ ठीक है अब मुझे बताओ चेक करो बेटा आप ये बोलते हो आपकी तैयारी नहीं है किस एंगल से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी नहीं है ये सब देखने के बाद में मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास में ज्ञान की कमी है प्लीज सामने ये सब कुछ देखने के बाद आई डोंट फील की मीन मुझे लगता ही नहीं है कि आपके पास कंटेंट की कमी है एक हेडिंग कितनी सारी हेडिंग आ गई अब मुझे अगर मैं हेडिंग लिखता हूं अगर मैं ये लिखना चाहूं हेल्थ केयर सेक्टर हेल्थ केयर हेल्थ केयर इंडस्ट्री सामने लिखा ए हार्ड रियलिटी जो चीजें आपके सामने शो की गई रियलिटी नहीं है क्या है सर तो जो भी चाहो फिजिशियन वर्सिज डॉक्टर अरे वाह भैया वाह अनंत बेटा वेरी गुड फिजिशियन वर्सिज डॉक्टर एंड पेशेंट कहां जाएगा घूमने गया हाँ सर रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड मार्केट वेरी गुड आई थिंक आपको आइडिया लग गया कि हेडिंग यूज कर सकते हो डू नो वन थिंग बेटा जितनी भी मैंने हेडिंग यहां लिखी है अब इन हेडिंग को प्रेजेंट करने का तरीका है पहली बात तो ये कि मैं इन सभी हेडिंग को यूज कर सकता हूं अपने इस पार्ट के लिए सारी सही है कोई भी गलत नहीं है पहली बात तो ये इवन जो आप भी लिख रहे हैं वो भी गलत नहीं है सारी हेडिंग ठीक है हाँ बेटा हाँ तो क्या सर हम जो हेडिंग बनाएंगे वो राइट होगा यस प्रवीण राइट होगा बेटा एकदम राइट होगा बेटा यस प्रवीण एकदम राइट होगा चेक करो क्या इनमें से मैं कोई भी हेडिंग यूज कर सकता हूँ बताओ मुझे हाँ रियल किंग रिमेंबर अवेयरनेस रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर मोनोपोली आप इनमें कोई भी कर सकते हो एग्जाम्पल हेल्थ केयर इंडस्ट्री ए हार्श रियलिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे अब पॉइंट यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल अच्छी लगती है मैंने बोला मैंने उठाया एग्जाम्पल फिजिशियन द रियल किंग बताओ अब याद रखना बेटा एक बात सुनना जब भी कोई हेडिंग मिलती है आप लोगों को हेडिंग हमेशा ऐसी रखो जिसकी वजह से जो लिस्नर को, जो sorry, रीडर को 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 रीडर पढ़ने पढ़ने वाले को करे। पढ़ने वाले को करे करे हरीश से हो हाँ, हाँ बेटा पूजा डेवलप होंगी एग्ली करना है वही तो करना है बेटा क्योंकि तो पे कोई थोड़ी आपके पास की नहीं कर सकते आप, आप कर सकते सकते आप आप लोग हो तो लो मैं कर रहा हूं, भी हेडिंग यही सिखाने के लिए क्लास लिए तो फिक्स हैडिंग नहीं है आप ये देखो लिसन टू मी यही से हेडिंग वाला पॉइंट जब आपको मैं राइटिंग राइटिंग में भी हैडिंग ना तो वहां भी हैडिंग ऐसे ही पहला आप हैडिंग है तो जो तरीका आप किया, वही तरीका आपका वहां पर अप्लाई होगा सीजल ही कौन सीजल है सर हिमांशु हाँ चले आगे चला सुनो ध्यान से बात को आगे बढ़े अब सुनो अब मैंने हेडिंग लिया हेडिंग दी थी पोजिशन द किंग मैंने हेडिंग ली फिजिशियन द किंग से फिजिशियन लिख रहा हूं मैं लिसन टू में मैं लिख रहा हूं अपने पास में फिजिशियन द किंग अब इसको अगर लिसन टू मी फिजिशियन लिख के अगर मैं इसको अच्छा डैश लगाया लिख दिया द किंग आपने कभी न्यूज पेपर देखे अखबार देखते हो न्यूज पेपर वगैरह के अंदर आप चेक करना चीजों को हाईलाइट करने के पॉइंट से किया जाता है अगर मैं हम इस पार्ट को ऐसे ना करके अगर इसके नीचे अंडरलाइन एक कॉमन लगाना चाहूं तो आई कैन ऑल्सो पुट दैट लगा दिया भैया लो तो ये मेरी हेडिंग नहीं बन गई क्या बन गई सर आगे बढ़े तो आई थिंक आपको हेडिंग बनानी आ गई ये हेडिंग वाला सेम पैटर्न प्रेसिज राइटिंग में भी अप्लाई होगा यहां पे अप्लाई होगा इज इज क्लियर कर सकता हूं आगे पूजा बेटा बस चले अब टॉपिक पे आने वालों में चलिए अगर पैराग्राफ सिक्स सेवन हो तो हेडिंग कैसे डिवाइड करेंगे मतलब समझा नहीं मैं पैराग्राफ क्या सिक्स सेवन क्या हो

शुरू कर दूं यस शुरू कर दूं आइए कंडीशन पे पार्ट जो आपने हेडिंग डिसाइड कर लिया तो हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपके पॉइंट चलने चाहिए इसका मतलब जहां से आपने मेन कंटेंट उठाया वहीं से हेडिंग बनेगी तो मैं आप चेक करो हेल्थ केयर इंडस्ट्री बनाऊं हेडिंग या डॉक्टर पेशेंट रिलेशन बना दूं बन सकता है चॉइस तो आपकी आप कुछ और चाहो लिख सकते हो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहली हेडिंग लिख रहा हूं डॉक्टर पेशेंट रिलेशन आप बोलोगे सर ये आपने सब हेडिंग कैसे लिखी सब हेडिंग लिखने का तरीका सुनो ध्यान से बेटा सब हेडिंग में हमेशा वो पार्ट पिक करना जिस पार्ट के ऊपर दो से तीन लाइन आप और लिख सको रिपीट कर रहा हूं सब पार्ट में आज ही कर दिए जाएगा ना हा ना अनंत बेटा नहीं आज नहीं हो पाएगी सॉरी बेटा उसके प्रॉपर फ्लो चाहिए मुझे नहीं पूजा बेटा आज लोग की क्लास नहीं लोगों की क्लास कल नौ बजे कल के लिए शेड्यूल किया बेटा मैंने ठीक है ओके okay. अब डॉक्टर आज अगर सब हेडिंग के अंदर हमेशा याद रखना सब हेडिंग में हमेशा आप वो वाला पार्ट लिखना बेटा जिसके ऊपर आप करीबन दो या तीन पॉइंट लिख सकते हो और ज्यादा तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन देखा तो यहाँ चेक करो क्या क्या लिख सकता हूं आप दोनों तरीका से आता हूं हेल्थ केयर इंडस्ट्री डॉक्टर पेशेंट करें आपके पास में पहला लिखा ऑर्डनरी रिलेशनशिप लिखा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मुझे मिल गया एक पॉइंट ये वाला प्रोड्यूसर कंज्यूमर लिसन टू मी दूसरा पढ़ता हूं आगे पढ़ो कह रहा आपके पास में नो रियल चॉइस इसके बीच में फिजिशियन यूजली टेक लिखता हूं सर फिजिशियन टेक्स परचेजिंग डिसीजन नंबर टू नंबर टू आगे उसके बाद में रेयरली चैलेंज टूवर्ड्स प्रोफेशनल डिसीजन थर्ड उठाया मैंने मैंने यहां इस पैराग्राफ में तीन पॉइंट उठाए फर्स्ट है प्रोड्यूसर रिमेंबर रिलेशन प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिलेशन नो लिसन टू मी नो रियल चॉइस लिस पावर एंड रियर प्रोफेशनल चैलेंज लिसन टू मी अब मैंने एग्जाम्पल तीन वर्ड लिखे अब आप बोलते हो एब्रीवेशन कहा यूज करो आप चाहो तो अपने नोट वाले पार्ट में भी एब्रीवेशन यूज कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए अब ए पार्ट का ए लिख रहा हूं बी लिख रहा हूं तरीका सीख लो लिखोगे आप पूरा पूरा आप करोगे पैटर्न में सिखा रहा हूँ हाँ बेटा पूरा आप करोगे पैटर्न में सिखा रहा हूँ सुबह नौ बजे लोग कल नौ बजे सुबह नहीं है बेटा अनंत चले आइए राइट में होगा डॉक्टर पेशेंट रिलेशन की बात कर रहा हूँ लिसन टू मी तो आप पहला मैंने पिक किया चेक करो क्या पिक किया कहा से उठाया पैराग्राफ में से कोई भी वर्ड आप उठा सकते हो ब ध्यान रखना वो वर्ड सीख लो ध्यान से जो तो पैराग्राफ में से लाइन उठा रहा हूं बेटा याद रखना उसका कंसर्न अगर मैंने यहां पर फोकस सामने अगर चाहते हो पूरा नंबर एक्यूरेट मिले उसका रिलेशन सीधा जो आपने यहां लिखा है अगर मैंने हेडिंग में लिखा है रिलेशन तो बात रिलेशन की होनी चाहिए इन तीन वर्ड इन टॉपिक के अंदर तो क्या लिखूंगा मैंने लिखा आपके पास फर्स्ट लिखा लाइक लाइक प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर रिलेशन लिखा मैंने लिखा लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर अब आप बोलोगे सर यूज़ करें जरूरी नहीं था मैं इस को लिखता अगर मैं में चाहता, तो को में लिख सकता था प्रोड्यूसर को एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रोड्यूसर में क्या लिखूंगा एग्जाम्पल प्रोड्यूसर पी आर डी सी आर प्रोड्यूसर लिख दिया एंड कंज्यूमर सी एन एस एम आर यू कैन राइट इट एस आप लिख सकते हो अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे शॉर्ट में पंगे नहीं पालने तो आप सिंपली पूरा लिख दो लिखा था, था स्टार्टिंग में हमने लाइक एंड कंज्यूमर ये बन गया पॉइंट नंबर चेक करो बेटा क्या ये वाला प्लीज चेक करो क्या ये वाला पॉइंट जो मैंने यहां लिखा क्या इसका कनेक्शन उससे नहीं है क्या लिखा यहां पे बोलो मुझे बोलो क्या इस वाले पार्ट का पार्ट कनेक्शन इससे नहीं है क्या है ना तो मतलब है सर दूसरा मैंने लिखा लिखा मैंने फिजिशियन शॉर्ट में पूरी लाइन यहां पे लाइन नहीं लिखनी सिर्फ वर्ड लिखने हैं लिखा फिजिशियन ए फिजिशियन द रियल परचेजर सिर्फ वर्डाउ वर्ड पूरी लाइन के वर्ड सर कैसे कर रहे हो सिखाता हूं तो कैसे कर रहा हूं चेक करो कैसे कर रहा हूं मैं अब मैंने अगर यहां लिखा ये लाइन पढ़ना ये लाइन लिखी हुई है बेटा चेक करना फिजिशियन हुक सिग्निफिकेंट परचेजिंग डिसीजन तो मैंने क्या लिखा फिजिशियन परचेजिंग डिसीजन सिंपली लिखा क्या लिखा अब लिखता हूं फिजिशियन द रियल परचेजर लिखा शॉर्ट में आगे आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट लिखा मैंने रेयरली चैलेंज किस पे रेयर चैलेंज सको ऑन प्रोफेशनल्स शॉर्ट में लिख दिया एबीसी बी सी हाँ प्रवीण महाश्रूती बेटा पूरी लाइन नहीं लिखनी होती नोट के अंदर यहां पे आप पॉइंट लिखने हैं बट पॉइंट ऐसे एग्जांपल प्रोड्यूसर कंज्यूमर की तरह रिलेशन फिजिशियन रियल परचेजर होता है रेयर चैलेंज है भैया ऑन प्रोफेशनल स्किल्स की बात कर लो डॉक्टर की बात कर लो ही बनाऊंगा नंबर बी तो बी में अगर मैंने उठा के डाला चेक करो नीचे लिख रहा हूं मैं आपके पास में रिलेशन ले लिया ले मैंने रिलेशन उठा लिया मैंने अब मैंने कहा यहां पर अपने पास में जब बात करते हो सर्टिफाई करेगा हॉस्पिटलाइजेशन को डिटरमाइन प्रोसीजर प्रोसीजर एग्जाम्पल हेडिंग नंबर टू लिखता हूं मैं प्रोसीजर द प्रोसीजर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन द हॉस्पिटल्स प्रोसीजर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कर सकता हूं इसको मैं ये मेरी बन गई सेकेंड नीचे मैंने लिखा इसमें A point. Note making सबका सेम नहीं हो सकता बेटा ये अंडरस्टूड है But pattern same होना चाहिए। नंबर पूरे मिलने तक आपको ठीक है नहीं नहीं एक्सप्लेन नहीं करना ठीक है ओके अब बताओ मुझे प्रोसीजर कैसा होता है अब आपने कहा कि भैया उठा लो वर्ड कौन कौन से है? ये वर्ड निकला आपके पास में परफॉर्म बाई एन अनाउंस विद द पेशेंट मे बी डिस्चार्ज एग्जाम्पल पेशेंट मे बी कंसल्टेड अबाउट सम डिसीजन पेशेंट कंसल्टेंसी विद पेशेंट रिमेंबर डॉक्टर जजमेंट इज फाइनल लिख सकता हूं बताओ मुझे लिख दो यहां पर डॉक्टर जजमेंट इज फाइनल डॉक्टर जजमेंट इज फाइनल शॉर्ट में लिखा अपनी मर्जी बनाते रहो नेक्स्ट बना लो अपने पास में एग्जाम्पल ऊपर लिख चुका कंज्यूमर वाला पॉइंट लिख चुके अपने पास में मेडिकल स्टाफ द पावर सेंटर दो मेडिकल स्टाफ पावर सेंटर मतलब उनके पास में मैनेजमेंट की पावर नहीं पर बाकी पावर तो है भाई काम कर सकते हैं रिमेम्बर नेक्स्ट लिखा मैंने इसके अंदर देखो करो इसी में निकालता हूं इस सेम पैराग्राफ निकालो इस जो पैराग्राफ उठा रहे हो उसी पैराग्राफ में निकालो आंसर और निकालता हूं ये निकाल गया और निकाल जो मन कर उठा लो बेटा अपने पॉइंट के ऊपर सिग्निफिकेंट रिलेशन हॉस्पिटल केयर हो गया एंड पेशेंट डिस्चार्ज और पेमेंट डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट किस एडिसन है सीजन सीजन ऑफ हॉस्पिटल टोटल लिख दो हॉस्पिटल तो बताओ कर पाओगे ऐसे वन टू थ्री बना पाओगे रिप्लाई तो आया है ना क्या हैडिंग कर पाओगे ऐसे एक थर्ड बनाओगे थर्ड बना लोगे थर्ड कर लोगे अपने पास में जवाब दीजिए मुझे बराबर से क्या थर्ड हैडिंग कर पाएंगे इसमें आप लोग चार जो पेशेंट भाई तो ये मैं लिख रहा हूं बेटा तुम भी तो बना सकते हो तरीका सीखने आ गया तो पैटर्न आ गया ना सिंपल सी बात क्या सी पार्ट आप छोड़ छोड़ मैं यस कर पाएंगे सर पूजा कह रही हम कर पाएंगे वेरी गुड लावण्य वेरी गुड थर्ड कर पाओगे अपने पास में सी लिख पाओगे समरी मित्र समरी कैसे लिखते हैं बता दू चले आगे यस सर अब मैंने कहा ये दो लिख लिया आप लोगों ने तो सी पार्ट आपने बना लोगे सी पार्ट कहां से बनेगा आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में बनेगा ये पैराग्राफ और सी पार्ट ठीक है बना दोगे हेडिंग तो सी पार्ट करने के बाद वहां भी हेडिंग बनाने के बाद अब क्या बनोगे डी पार्ट में क्या करोगे मैंने लिखा की एब्रीवेशन अब की एब्रीवेशन के लिए कहाँ पे जाऊं पैराग्राफ में जाऊं नहीं जो ऊपर लिखा है उसमें जाओ चेक करो जितने भी वर्ड आपने ऊपर यूज किए हैं क्या मेरे को याद है याद है सर मैंने लिखा पेशेंट तो मैंने लिखा पेशेंट को कैसे पी टी ई लिखूंगा पेशेंट का मतलब ये होता है लिखा मैंने एच ओ एस डॉट मैंने लिखा हॉस्पिटल का मतलब ये होता है इसको बोलते हैं की एब्रीवेशन एच ओ एस हॉस्पिटल मैंने लिखा डी आर डॉक्टर मैंने लिखा एग्जाम्पल पावर सेंटर पी सी जितने भी वर्ड है उठा लो जो तुम्हारा मन करे वो लिखो ये तो कितने बन सकते हैं मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए प्रोसीजर तो पी सी डी आर प्रोसीजर तो लिखा प्रोसीजर ये बन गया आपका डी वाला हेडिंग है, अरे जय समझ में आ गया बहुत अच्छे ज्ञान पक्का क्वेश्चन पक्का पक्का के लिए पैराग्राफ नहीं पढ़ना हमारा पैराग्राफ हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया बेटा ठीक है अब किस पे आओगे हाँ बेटा लवानिया लिख सकते हो बॉक्स में यू कैन ऑल्सो राइट इन बॉक्स आप चाहो तो लिख सकते मैं कह रहा हूँ सेम पैटर्न यूज कर रहे हो

हाँ, मुजरा भी हो मुजरा पक्का होगा मुजरा तुम जो कहो वो नचा दोगे लो तुम्हारा पेपर अच्छा हो गया ना जिसको डांस करवा देंगे हम पे पक्का चले अब हेडिंग लास्ट वो तीन नंबर मुझे बताओ क्या इतना करने के बाद में आपको तीन नंबर काटने की हिम्मत है जवाब दो क्या तीन नंबर नहीं देगा इसमें आपको पक्का देने पड़ेंगे इज क्लियर वेरी गुड स्क्री चले सर उसमें अब्रवेशन यूज नहीं किया तभी वेरी जी पाए पूजा बेटा एग्जैक्टली यस, बेटा प्रोफेशनल बच्चे एग्जैक्टली exactly. अब लास्ट हेडिंग क्या बनाओगे समरी सर समरी कहां से लिखे बच्चे से पैराग्राफ पढ़ने जाऊं नहीं सिंपली क्या करोगे जो आपने बुलेट पॉइंट यहां लिखे इन लाइन को लिखा सिर्फ इन लाइन को पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दो अपने अकॉर्डिंग समरी के पॉइंट में डिटो लाइंस नहीं लिखी जाती इसलिए सबसे बेटर पैटर्न सिखा रहा हूं सीख लो ध्यान से समरी के लिए जो यहां पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर कंज्यूमर का रिलेशन होता है आपके पास वो रियल कंज्यूमर होता है इस लाइंस को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना शुरू कर दो दैट्स इट बस खत्म इसका मतलब अगर यहां लिखा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिलेशन फिजिशियन के पे तो लिखता हूं एक्साम्पल मैंने समरी लिखना स्टार्ट किया हां सर समरी में क्या लिखूं बस लास्ट पॉइंट क्लास खत्म हमारे पास में मैंने लिखा सीधा मुद्दे पे आऊंगा बातें नहीं घुमाऊंगा बच्चों कितना लिखें आपका वन थर्ड पार्ट बनेगा ना तो चेक करना घूम फिर के जो आपके तीन हेडिंग आपने बनाई इन तीन हेडिंग से आपका एक ही पैराग्राफ रेडी होगा और वही आपने लिखना है तो मैंने बोला इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर यह आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसा लिखते हो बस आपको पॉइंट चाहिए होते हैं ना पॉइंट दिए गए हैं यू आर फ्री टू राइट योर समरी इन योर ओन लैंग्वेज बट यू शुड फोकस ऑन द पॉइंट आपको ये पॉइंट कंसिडर करने हैं यू दिस टू राइट योर समरी बेटा बेटा याद रहेगा पूजा मैंने लिख दिया इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर आगे लिख रहा हूं मैं इन सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर सीधा मुद्दे पे आऊंगा द डॉक्टर एंड द पेशेंट द पेशेंट इज हैविंग ए रिलेशन ये मैं अपनी लाइन बना रहा हूं बेटा अपने आप से कैसे बना रहा हूं कहां से मिला मुझे पॉइंट मेरा पहला पॉइंट था आप चेक करो लिखा आप लोगों ने लिखा है कि सर दोनों का रिलेशन प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला है तो यहां लिखूंगा मैं नीचे लिख रहा हूं देखो द रिलेशन द रिलेशन कौन सा रिलेशन है द पेशेंट इज हैविंग रिलेशन लाइक ए प्रोड्यूसर इसको बोलते हैं पर्सनल टच देना समरी को और ये जरूरी है एग्जाम के अंदर रखना यही जरूरी है बेटा यस एग्जैक्टली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्यू क्यू अपनी लिखो ये लाइन आप जोड़ सकते हो बिकॉज बिकॉज द डॉक्टर इज ट्राइंग टू मेक डिसीजंस एंड द कंज्यूमर इज अवेलिंग द सर्विसेस चेक करो पहली सब हेडिंग की पहली वर्ड को मैंने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया आप भी कर पाओगे यस yes, देवयानी और ये बेस्ट पार्ट है बेटा अगर आपने जो ऊपर हेडिंग लिखा उसी को नीचे समरी में कन्वर्ट कर दिया इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता बेटा हो ही नहीं सकता इससे अच्छा समरी कभी लिख ही नहीं सकते आप लोग योरिटी है समझ में आ गया गेमर कह रहे सर अगर हम ऊपर में शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो ना सब हेडिंग डी शो करेंगे ना नहीं बेटा गेमर तब शो नहीं करोगे बेटा अगर ऊपर एब्रिवेशन करो तो नीचे एब्रिवेशन मत यूज करना बेटा ओके लाइक ठोक दो गाइज रहा है अरे हाँ अरे भैया लाइक तो कर ही सकते हैं लाइक कर देंगे बेटा पक्के बच्चे कर देंगे लाइक नो no पढ़ने में मजा आ रहा है सर आज काश आप ये क्लास कंटिन्यू करते रहते आनंद क्लास कंटिन्यू रहेंगी डोंट वरी क्लास एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगी अमन खेडिया क्लासेस के ऊपर अब बीसीआर भी लॉन्च होगा बिजनेस लॉ भी लॉन्च है इकोनॉमिक्स भी लॉन्च है अकाउंट भी है और मैथमेटिक्स भी है सारा पार्ट आपको अब एक ही चैनल पर मिलेगा प्रॉपर टाइमिंग होगी प्रॉपर टाइम शेड्यूल होगा आपके पास में अब आपको अलग अलग चैनल पे जाके तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सिंगल चैनल, चैनल कितने करेंगे। अरे हिमांशु हिमांशु राइटिंग, राइटिंग के चक्कर में चार खाया करता सेकेंड बताओ लिखू आगे फिजिशियन द रियल परचेजर लिखू क्या लिखू इन दिस सेक्टर इन दिस सेक्टर कौन सा सेक्टर ऑफ द फिजिशियन जो ऊपर लिखा उसको लाइन में लिख दो द फिजिशियन इज द रियल कंज्यूमर नॉट वर्ड को सिर्फ लाइन में उठा कन्वर्ट करते रहो बोलो लिख पाओगे इस पार्ट को छोड़ दो आप लोगों के लिए हा आनंद से लेने वाले पे। exactly. बेटा आपके नवंबर एग्जाम तक आपके साथ हम बने रहेंगे सब लोग आपकी तैयारी करवाने का जिम्मा हमारे ऊपर है बेटा ये श्योरिटी हमारे ऊपर है हम करवाएंगे प्रिपरेशन आप लोगों की बस आप एक फ्लो में कंटिन्यू रहिए बस और कुछ नहीं करना आप लोगों ने ठीक है मुझे बताओ कि कर पाओगे आगे लिख लोगे बताओ क्या समरी का पॉइंट पूरा लिख पाओगे और जैसे सर बिहार आइएगा तो जरूर मिलिएगा सर प्लीज बेगूसराय अरे पक्का जय बेटा बेगूसराय पक्का बेगूसराय से मेरा बड़ा प्यारा नाता था तुम्हें पता नहीं है बाद में बताऊंगा बेगूसराय से मेरा बहुत क्लोज वाला रिलेशन है गेमर बेटा लो मैं आपके आपके एग्जाम एग्जाम तक से, से पहले कवर कर दूंगा डोंट वरी ट्राई टू मेक इट पॉसिबल कि आपके 10 नवंबर तक पूरा पार्ट मैं रिवाइज करवा दूं आपको ठीक है संपर्क करें अमन खेडिया क्लासेस में यस अब मिलेंगे हम अमन खेड़िया क्लासेस में उसकी लिंक आपका अवेलेबल हो जाएगा बेटा कल मिलते हैं हम अमन खेडिया क्लासेस चैनल के ऊपर और अब से आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली अनाउंस कर दिया गया चीजें पक्का डोबे बहुत सारे बच्चों को अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो जहां भी आप क्लास देखते हैं वहां लिंक शेयर कीजिए अपने पास इंफॉर्मेशन दीजिए बच्चों को ताकि वहां भी पहुंचे कनेक्ट कर सके हम लोग मैं दिल्ली से हूं हरियाणा एम फ्रॉम दिल्ली यहाँ बेटा पक्का उड़ीसा भी आएंगे अभी अभी अमन सर हम लोग प्लान कर रहे थे कि अभी हम अभी जैसे ही कोरोना वाला खत्म होगा हम दिल्ली के जो इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है हमारे पास में तो मैक्सिमम बच्चे वहां पे सेमिनार अटेंड करेंगे सेमिनार रखेंगे गेट टुगेदर रखेंगे हिमांशु अरे अरे पक्का हिमांशु तुमसे अभी भी बेटा ठीक है बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में वंशिका कर फिर से सिर्फ नौ बजे क्लास है वंशिका बेटा बस कल कल का कल एक दो दिन का टाइम दे दो बेटा उसके अंदर आपको प्रॉपर शेड्यूल अवेलेबल हो जाएगा बेटा ठीक है थोड़ा फ्री नहीं हो पा रहा है इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा नेपाल तो बेटा पक्का नेपाल भी बेटा नेपाल बड़ा मन है मेरा नेपाल घूमने का काठमांडू यस मानसी थैंक यू वेरी मच ओके आपसे मिलने आनंद कह रहा है आनंद एनी टाइम बेटा एंड प्लीज वन मोर थिंग बेटा क्या बोलो छोड़ो कल बात करते हैं <laughs> ठीक है थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर सी यू क्लास अभी अवेलेबल रहेगी बाकी बच्चों को बोलो अपनी क्लास को कवर कर लें उसके बाद क्लास हटा दी जाएगी थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर सी यू बाय बाय